हेलो एवरीवन, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी जो है विज्ञापन जारी हो चुका है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 क्लासेस के लिए जो शिक्षकों की भर्ती आई है। 69,000 से भी अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन चल रहे हैं। अभी जो है नया जो है क्या है कि 50,263 और भी जो है नए पद जोड़े गए हैं और इसके बाद भी जोड़े जाएंगे, ऐसा विज्ञापन में लिखा है। जैसे जैसे स्कूल में जो रिक्त पद है उनका डेटा जो है वो सामने आता जाएगा, वैसे ही जो है वो पद और भी नए जोड़े जाएंगे। तो 70,000 जो है वो पद पहले से ही हैं, 50,263 और नए पद जोड़े गए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का भी विज्ञापन आ गया है। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 एंड स्पेशल स्कूल टीचर्स फॉर क्लास 9 to 10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो है वीडियो मैं पहले भी जो है वो बना चुकी हूँ। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई है अंडर बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो 27/23 था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये दिखाई गई थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर जो है वो पदों की संख्या कितनी आई है, एलिजिबिलिटी, एज, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल नया जो अब नोटिस आया है एडवर्टीजमेंट, वो आया सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं 10/11/2023। सब्जेक्ट क्या है इसमें, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर। तो इसमें और नए पद जो जुड़े हैं, 1401 वैकेंसी एससी एंड एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और उसके बाद जो है 50,263 जो नए पद जुड़े हैं स्कूल टीचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 26/23, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट है और बिल्कुल नया विज्ञापन है, जिसमें डिटेल ऑफ 50,263 वैकेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023। तो इसे जो है वो ओपन करके सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, क्योंकि इससे पहले के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिनके आवेदन चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1 to 5 के विद्यालय के अध्यापक के लिए, प्राथमिक विद्यालय के यहाँ पर सामान्य की, उर्दू की, बांग्ला की सीटें दिखाई गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो है वो अलग है। महिलाओं की सीटें पहले से ही आरक्षित हैं, 9,431 जो है वो महिलाओं के लिए सीट पहले से ही रिजर्व बताई गई हैं। बाकी जो है वो 1519 जो है वो पद ये भी दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 50,263 रिक्त पदों को यहाँ पर क्या किया गया, समाहित किया गया, जोड़ा गया है, ठीक है, और वो 60,000 से अधिक पद अलग हैं। यहाँ पर 9 to 10th विद्यालय के अध्यापक के लिए और भी जो है वो पद जुड़े हैं, सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और याद रखना महिलाओं की अलग हैं। उसके बाद जो है 11, 12 की भी जो है वो सीटें जोड़ी गई हैं, ये 50,000 के अंतर्गत है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, ये अलग पद जोड़े गए हैं। उसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि इन पदों की संख्या जो है आगे भी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो वैकेंसी जो है बिहार राज्य की तरफ से आई है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती यहीं से निकाली जा रही है, क्योंकि अभी जो हमने देखा कि जो चरण फर्स्ट था उसकी प्रक्रिया बहुत फटाफट हुई, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट हुआ और बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई। अभी जो है ये बात चल रही है चरण दो की, तो 69,706 ये पद हैं और उसके बाद जो है 50,263 पद, इनको अलग से समाहित किया गया है। 1 to 5 के टीचर्स बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने भी पूरे भारत में सी टेट पेपर 1 क्लियर किया है या फिर बिहार टेट पेपर 1 क्लियर है, तो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बाकी 6 to 10th के लिए एस टेट पेपर 1 होना चाहिए, यानी कि बिहार राज्य का टेट। 11, 12 के लिए यहाँ पर लिखा है कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए एस टेट पेपर 2 का पास होना जरूरी है, और प्रधानाध्यापक के लिए एस टेट पेपर 2, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के लिए आपके पास 50% अंकों के साथ 12th और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, BLED, ठीक
ठीक है, या फिर आपने स्नातक भी किया है तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो आपके राज्य में, यानी आपने BTC किया है, DLED किया है, DED किया है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि आयु जो है न्यूनतम 1 to 5 के टीचर्स के लिए 18 वर्ष, कक्षा 6 से 10 के लिए, 11th 12th के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम की अगर हम बात करें तो पुरुषों की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला यानी महिलाओं की 40 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद जो है SC ST महिला या फिर पुरुष कोई भी हो, 42 ईयर रखी गई है, ठीक है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि आवेदन जो है वो चल रहे हैं, वैकेंसी पहले से ही आ चुकी है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर 2023 है, इसके आगे जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा जो है एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप लोग भी जो है इसकी मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जो नए पद जुड़े हैं तो इनको और भी जो है वो डिटेल में आप देखेंगे। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना है 27/2023, बिल्कुल नया है तो इसे आप देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस जो आया हुआ है जिसमें पदों की संख्या को बढ़ाया गया है ये यहाँ मिलेगा, पूरा विज्ञापन आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें अगर आप देखेंगे नीचे आगे यहाँ पर, जो कि 69,000 से भी अधिक पदों पर जो वैकेंसी पहले आ चुकी है 6 to 8 क्लास के लिए, 9, 10 और 11, 12, और इसके अलावा स्पेशल स्कूल टीचर्स 9, 10 के लिए, तो इसकी जो है बिल्कुल विज्ञापन आप लोग यहाँ देखेंगे, एडवर्टीजमेंट यहाँ रेड में लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कैसे जो है अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इससे पहले का इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले ये विज्ञापन आप देखेंगे, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अगर आप मध्य विद्यालय के लिए 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या उसके बाद 9, 10 या 11, 12 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये विज्ञापन देखना पड़ेगा। और इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 डेट है 4 नवंबर 2023, इसे आप ओपन करके देखेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, चाहे वो क्लास 6 to 8 है, 9, 10 है या फिर 11, 12 है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।